गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स. आज हम आपको क्लास फोर्थ हिंदी व्याकरण चैप्टर 15 विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे. बच्चों, व्याकरण में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है. जिस प्रकार एक ट्रैफिक पुलिस भीड़ों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा, सुरक्षा व व्यवस्था के लिए किसी को रुकने व चलने का संकेत देती है, ठीक उसी प्रकार भाषा में व्यवस्था और स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है. विराम शब्द का अर्थ है रुकना या ठहरना. बोलते समय हम बीच बीच में रुककर सांस लेते हैं. यह रुकना दो तरह का होता है, थोड़ी देर रुकना और अधिक देर तक रुकना. इसके लिए लिखते समय कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. कुछ प्रमुख विराम चिन्ह. पहला पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह. दूसरा अल्पविराम, अल्पविराम. तीसरा अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह. चौथा प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नसूचक चिन्ह. पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह. छठवां उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह. सातवां संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह. आठवां निर्देश या विवरण चिन्ह, निर्देश या विवरण चिन्ह. नौवां कोष्ठक, कोष्ठक. दसवां लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह. ग्यारहवां उपविराम, उपविराम. बारहवां विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह. तेरहवां त्रुटिपरक चिन्ह, त्रुटिपरक चिन्ह. चौदह अवतारक चिन्ह, अवतारक चिन्ह. पहला पूर्ण विराम. पढ़ो और समझो. दीपा मेरी छोटी बहन है. वह दूसरी कक्षा में पढ़ती है. वह बहुत प्यारी है. हम सभी उसे बहुत प्यार करते हैं. ध्यान दो कि इस अनुच्छेद में चार वाक्य हैं और चारों वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम है. प्रत्येक वाक्य को पढ़ने के बाद अंत में हम कह सकते हैं कि पूर्ण विराम रुकने का संकेत देता है. सामान्य कथन और आदेश वाक्यों में तथा छंद के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है. जैसे का सामान्य कथन, मेरा नाम कविता है, मेरी बहन का नाम मोहनी है. का आदेश वाक्य, अपनी पुस्तक पढ़ो, वहाँ कल जाना. दूसरा अल्पविराम, सीमा, मेघा और सुषमा विद्यालय जा रही हैं. यहाँ सीमा के बाद अल्पविराम का प्रयोग हुआ है. ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि फल गर्मियों में पैदा होते हैं. यहाँ ककड़ी, खरबूजा, तरबूज तीन फल है, इसलिए इनके बीच में अल्पविराम का प्रयोग किया गया है. वह सुबह नाश्ता करता है, तैयार होता है और घूमने चला जाता है. दो वाक्य हैं, इसलिए यहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया गया है. दूध से बहुत सी खाने की चीज़ें बनती हैं, जैसे घी, दही, मिठाई, पनीर, मट्ठा आदि. ध्यान दो कि जब एक ही वर्ग के कई शब्द लगातार आते हैं तो अल्पविराम आता है. ऐसी स्थिति में बीच बीच में रुकना पड़ता है. जहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है. अल्प शब्द का अर्थ है थोड़ा होता है. अर्धविराम, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है वहाँ अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है. उदाहरण का परिश्रम ही जीवन है, आलस मृत्यु समान है. का जहाँ जाना हो जाओ लेकिन अपना पता बताकर जाना. यहाँ दोनों वाक्य बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है. चौथा प्रश्नसूचक चिन्ह, पढ़ो और समझो. तुम कल कहाँ गए थे, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है. वो क्या कर रहा है, प्रश्नसूचक चिन्ह. तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए, प्रश्नसूचक चिन्ह. राजा यहाँ कब आया, प्रश्नसूचक चिन्ह. ध्यान दो कि ऊपर के सभी वाक्यों में कुछ पूछा गया है, यानी प्रत्येक वाक्य से प्रश्न का बोध होता है. इन वाक्यों के अंत में जो चिन्ह लगा है उसे प्रश्नसूचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह कहते हैं. प्रश्नसूचक चिन्ह वाक्यों का सही ढंग से बोलना और पढ़ना सीखो. ऐसे वाक्यों को
बोलते या पढ़ते समय वाक्य अंत में आवाज़ ऊंची हो जाती है। पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह, वाह वाह खूब कहा, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अच्छा उसने ऐसा किया, अच्छा विस्मयादिबोधक चिन्ह। छी तुम पढ़ लिख कर भी बुरी बातें करते हो, हाय हाय हम तो बर्बाद हो गए। ध्यान दो कि ऊपर के वाक्यों में खुशी, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं। इनको बोलते समय स्वर बहुत ऊंचा हो जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक शब्दों के अंत में लगता है। छठवा उद्धरण चिन्ह, जब बोलने वाले के एक कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उसके दोनों ओर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अजय ने कहा संजना मेरी बहन है, ये शब्द अजय ने कहा था, इससे इसके दोनों ओर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। सातवा संयोजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो, जैसे खाना पीना, आना जाना, जहाँ दो शब्दों के बीच और छिपा हो, जैसे माँ बाप बच्चों को प्यार से समझाते हैं। आठवां निर्देश या विराम चिन्ह, इस विराम चिन्ह का प्रयोग दो प्रकार से होता है। का निर्देश देने के लिए, जैसे निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। पहला लक्ष्मीबाई कौन थी, अशोक का बेटा कौन था। खा विवरण देने के लिए, पहला जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम एवं अनुशासन। दूसरा समस्त जीवन गाय भैंस भेड़ बकरी प्यास से व्याकुल थे। इन दोनों वाक्यों में यहाँ और इस वाक्य में ये जीवन के बाद निर्देश चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कोष्ठक, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक प्रयोग किया जाता है, जैसे ज्ञानेंद्रियां आँख कान नाक जीभ त्वचा। दूसरा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता, यहाँ नाम के आगे ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है और इसमें भी ज्ञानेंद्रियों के बीच में ज्ञानेंद्रियों में कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। दसवां लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। जैसे पहला डॉक्टर को, डॉक्टर को डॉक्टर दा लिख कर काम चल जाता है, ये लाघव चिन्ह का प्रयोग है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि। उपविराम, जब किसी बात को स्पष्ट करने रूप से समझना होता है तो हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। दूसरा सीमा, कल मैं तुम्हारे साथ बाजार जाऊंगी। बारहवां विवरण चिन्ह, किसी वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन करने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण संज्ञाएं तीन प्रकार की होती हैं, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग है। त्रुटिपूर्वक चिन्ह, जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें प्रत्येक बात सोच समझकर कहनी चाहिए। चौथा अवतार चिन्ह, ऊपर लिखी पंक्ति में लिखे गए शब्दों को हम ज्यों का त्यों लिखें तो विस्तारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पहला श्रीमती अंजू शर्मा, दूसरा श्रीमती रेणु शर्मा आदि। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे दिए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। त्रुटिसूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। पहला दिनेश दुकान पर क्या कर रहा है, यहाँ रहा है के बाद चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
दूसरा वह नाच रहा है, इसमें पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख तीनों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग है। अध्यापक ने कहा, अल्प विराम, सभी छात्र अपनी अपनी कक्षा में जाओ। विराम चिन्ह उद्धरण चिन्ह सॉरी उद्धरण चिन्ह यह पुस्तक किसकी है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्नोत्तर चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अच्छा तुम आ रहे हो, यहाँ अच्छा के बाद विस्मयाद बोधक चिन्ह है और अंत में पूर्ण विराम है। सुख दुख हानि लाभ सब ईश्वर के हाथ है, यहाँ सुख दुख और हानि लाभ के बीच में संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अंत में पूर्ण विराम है। हे ईश्वर हमारी सहायता करो, हे ईश्वर यह विस्मयाद बोधक चिन्ह है, यहाँ विस्मयाद का प्रयोग किया गया है और अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही, धन्यवाद।